अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम छात्र उपयोगी ऐसा मार्गदर्शन लेकर आए हैं जिसका सही समय पर समुचित उपयोग करके बच्चे उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जिसके कि वे वाकई हकदार हैं। जी हाँ, आज हम कैरियर गाइडेंस के तहत हिसाब, हुनर, हिम्मत अर्थात समग्र रूप से कैरियर एवं इसके संपूर्ण पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विद्यार्थी हित की आज की हमारी चर्चा के विशेषज्ञ जलगांव महाराष्ट्र के विख्यात व्यक्तित्व पंकज व्यवहारे सर हैं। व्यवहारे सर भागीरथ काउंसलिंग सेंटर जलगांव के डायरेक्टर हैं, सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट हैं, कैरियर काउंसलिंग में 16 वर्ष का वृहत अनुभव रखते हैं, रोटेरियन हैं, मेंटर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, कैरियर टेस्ट करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, या एक वाक्य में कहें कि वो संपूर्ण कैरियर हेतु वन मैन आर्मी है। आज के ऐसे अनुभवी कैरियर विशेषज्ञ का अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूँ। विषय को जानने के इच्छुक आप जिज्ञासु साथियों का भी मैं हृदय तल से अभिवंदन करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए बहुत ही आदर व सम्मान के साथ हम आमंत्रित करें पंकज व्यवहारे सर को आज की इस व्यापक चर्चा हेतु। तो बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित हैं पंकज व्यवहारे सर। नमस्ते, धन्यवाद प्रमोद श्रीवास्तव सर जी। आपके नाम में श्री भी है और वास्तव भी है। श्री माने गणपति जिसे शुरुआत होती है, और वास्तव माने जो अभी सारे बच्चों को मालूम होना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव चीज से हम जाने वाले हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने जबलपुर के बारे में थोड़ी निकाली थी। करियर के बारे में जो भी चीज आपको बनानी है उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक, आप क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, आपके पास सवाल बहुत चाहिए और आपको सर्चिंग करते आना चाहिए। सौभाग्य से आज हम जूम के तौर पे आपसे जुड़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अगर करते हैं तो करियर आपके कदमों तले 100% है। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने नाम दिया है हिसाब, हुनर, हिम्मत। हिंदी के तीन बेहतरीन शब्द है। मेरी मातृभाषा मराठी है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिन है, तो मेरे माता जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, साक्षात दत्त भगवान को प्रणाम और यहाँ बैठे हुए सारे बच्चों को प्रणाम। आपको प्रणाम इसलिए कि आप हमसे 10 गुना आगे हैं। आप वो जनरेशन है जो इंटरनेट के युग में, तो आपको ये बोलना मुनासिब नहीं है कि मोबाइल इस्तेमाल मत करो, टीवी मत देखो। ठीक है, ये हम लोगों के लिए था, आप लोगों के लिए नहीं है। आप में स्पीड जबरदस्त है, आप उस दुनिया के बच्चे हो कि जहाँ पे बटन दबाने के बाद सारी चीजें हाथ में आ जाती है, लेकिन इसके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपको कुछ चीजें समझना जरूर है। जैसे गोल्डन करियर बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे मैंने कहा था, आपको क्यूरियस होना जरूरी है, क्वेश्चनिंग करते आना चाहिए, आपको सर्च करते आना चाहिए और साथ में हिसाब, होना और हिम्मत भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जबलपुर जैसे मैंने ढूंढा इंटरनेट के ऊपर, तो पता चला कि जबली नाम के कोई ऋषि थे जो नर्मदा के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे बैठ के तपश्चर्या करते थे, तब से इसका नाम बन गया जबलपुर। अभी मुझे कैसे पता चला, मैं तो जलगांव में रहता हूँ। गूगल पे जाने के बाद अगर आप सर्च करते हो तो ये सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। फिर आया कौन कौन लोगों ने इनके ऊपर राज किया, रूल, गोंडवाना रूल आपके यहाँ था, फिर मराठा रूल था, उसके बाद फिर ब्रिटिश राज आया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस युग के बच्चे हो। इंटरनेट का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हो तो करियर बन सकता है। ये सारी चीजें मैं यूट्यूब के ऊपर भी ढूंढ सकता था या आपको लिंक दे सकता था, लेकिन जितना डेटा चाहिए वो किस तरीके से सर्च करना चाहिए, ये भी एक करियर है। इसको कहते हैं SEO, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो जाहिर है मैं यूट्यूब पे जरूर जाऊंगा। अभी तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनी है, डेटा बना है, वो सारा सर्च करूंगा और उस हिसाब से मेरा भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जितना भी अपना ज्ञान है ना वो सीमित तो रखना बहुत जरूरी है। अब बढ़ाते रहो लेकिन उसको आपको प्रिजर्व भी करते आना चाहिए। अब अगर स्टेटस देखते हैं अपनी करियर की, मैंने उसको अपनी गोल भी रखा है। मतलब मेरा गोल है कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन होना है, तो जाहिर है वो करियर भी हो सकता है।
तो पहला आया प्रीमेटिव एज, दूसरा आया पाषाण युग, तीसरा आया प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के पहले का भाग, फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद आया उदारीकरण 1991 का, प्री लिबरलाइजेशन कहते हैं उसको, उसके बाद आया फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन, और अभी आज की तारीख में 2021 मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वहां तक करियर की जर्नी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये फोटो आपको गूगल देंगे, इसके अंदर दिया है ये और आडम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और सारे प्राणी एक जगह है, देखना जहां शेर है वहां बाघ भी बैठा है ना, ऊंट भी बैठा है, ऐसा आपको नजारा नहीं मिलेगा कि सारे एक जगह मिलेंगे। तो वो प्रिमेटिव, ये शुरुआत का वो दौर था कि जहां पे कोई करियर नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ आपको खाना पीना घूमना और फिरना है। उसके बाद आया स्टोन एज, कहते हैं पाषाण युग, इसके अंदर स्किल किसी हद तक आपको इस्तेमाल करनी थी, क्यों करनी थी, आपको शिकार करने के लिए कुछ हथियार लगते थे, तो इन पत्थरों के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो हो गया एक ग्रुप, अलग बैठ के कुछ काम कर रहा है तो अपना कुछ एक्स्ट्रा स्किल लगा रहा है, जितना आप स्किल लगाओगे उतनी शिकार अच्छी हो सकती है, उतना खाना मिल सकता है, बस इतना ही करियर उस दौर में था। फिर आया प्री इंडिपेंडेंस, ऊपर मैंने बापू जी का एक फोटो लिया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, फिर साइड में कुछ ब्रिटिश अधिकारी दिखा है, नीचे भारत की पहली मूवी तैयार हुई थी, पिक्चर तैयार हुई थी राजा हरिश्चंद्र, उसका एक फोटो दिया है, और बाजू में मैंने एक पुराने तरीके का बाजार दिखाया है, उस दौरान कैसे फल बेचते थे। ये चारों ही करियर या गोल के एग्जाम्पल थे प्री इंडिपेंडेंस में, समझ लीजिए मैंने तय किया है कि मुझे स्वतंत्रता में भाग लेना है, वही मेरा करियर है, वही मेरा उद्दिष्ट है। या किसी को लगता है कि नहीं मैं जॉब करूंगा, तो वो ब्रिटिश आर्मी में जॉब कर रहे थे, जॉब तो जॉब हो गया, बाद में किसी लोगों को लगा कि मेरी स्किल्स है, मेरे सारे क्वालिटीज इस्तेमाल करके क्यों ना मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर पाऊँ। तो दादा साहब फाल्के जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ बॉलीवुड बना के दिया कि ये पहली मूवी है, तो वो भी करियर है। और किसी को लगता है कि चलो दुकान ही चलाया जाए, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, शॉपकीपर, दुकान, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। फिर आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर हमारे पास आ गई मशीनरीज, फिर हमारे पास आ गई मशीन युग आ गए हमारे पास। तो ऊपर मैंने एक फोटो दिया है, वो है कि किसी कपड़े के इसमें कपड़े तैयार हो रहे हैं, कपड़ों की मिल है, पुराने जमाने के मुंबई के फोटो ये सारे, अभी ये उपलब्ध नहीं है, सिर्फ नीचे जो आपको दिख रहा है वीटी स्टेशन वो मात्र उपलब्ध है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज की एक मान्यता दी गई है। फोटो इसलिए दिया आपको मैंने, उस दौरान बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, बांधकाम करना, ये भी एक करियर हो चुका था। तो फिर आपको आर्टिस्ट बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, सिविल में काम करना है, मशीन के ऊपर काम करना, तो मैकेनिकल का करियर आ गया। ये सारे करियर धीरे धीरे हमारे यहाँ तैयार होने लगे, उसी दौरान फिर हमारे IITs बनी, आगे IIM बनी। तो ये सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी इसलिए कि इसके अंदर फिर करियर किया जाए। ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया, ये पूना का एक पुराना फोटो है, वहाँ पे महात्मा ज्योतिराव फुले है जिन्होंने पहली स्त्रियों के लिए स्कूल शुरू किए थे, उसका फोटो है। नीचे मैंने एक फोटो दिखा दिया है कि जो है ग्लोबल एजुकेशन का, सारे देशों के झंडे वहाँ मिल जाएंगे। माने आपको बताने का मुझे है कि शुरुआत कैसी हुई थी कि एक एजुकेशन की छोटी स्कूल हमारे शुरू हो गई, आज पूरा ग्लोबलाइज एजुकेशन भारत में उपलब्ध है, आपको अनेक भाषा में वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सौभाग्य ऐसा है हमारा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन दिमाग जिन लोगों का है वो हम भारतीय लोग हैं, हमें नाज होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। उसमें हमारा भी एक झंडा दिखाया है, एक मैंने प्लेट ली है जिसके अंदर खाना रखा है, एक कांटा और एक चम्मच रखा है, एक कोका कोला कंपनी की या फिर MNC फूड की एडवर्टाइजमेंट, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन दिखाने का मकसद इसके पीछे यह है कि अभी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हम काम कर रहे हैं, तो हमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम करने के लिए तैयार होना है। तो कैसे तैयार हो सकते हैं, जाहिर है अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, वो लोग अभी अपनी भाषा सीख रहे हैं लेकिन हमें उनकी भाषा सीखना ज़रूरी है, अंग्रेजी के अलावा 2-3 और फॉरेन लैंग्वेज सीखना भी ज़रूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हम स्टूडेंट हैं और हम सीख सकते हैं, और सीखने के लिए उम्र नहीं होती है। तो मैंने कोका कोला का ब्रांड लिखा है, यहाँ पेप्सी भी है, मैकडोनल्ड भी है, KFC है, ठीक है, ये सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। और ऊपर मैंने खाने के हिसाब से प्लेट भी दुनिया दिखाई है, इसका मतलब ऐसा है कि आप कोई भी एक सेक्टर उठा लो, जैसे मैंने खाने का सेक्टर उठा लिया है, इसमें भी आपको ज़बरदस्त करियर है। अगर आप हॉस्पिटल टूरिज्म इंडस्ट्री लेते हो तो ज़बरदस्त करियर है,
अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में तो जबरदस्त करियर है, एक करियर अगर आप उठाते हो तो उसमें कम से कम 40 और सब करियर मिल जाते हैं। ये सारे करियर करने के लिए कुछ विशेष क्षमताएं, इच्छाएं और आपका पैशन होना बहुत जरूरी है। अब ये नाम तो आपने आमतौर पर बहुत सुने होंगे, उबेर टैक्सी, एयरबीएनबी के होटल, ओला की टैक्सी, या फिर सबसे आसान तरीका पेटम। अब इस तरीके से करियर बाजार में आ चुके हैं। समझने की कोशिश कीजिए, उबेर टैक्सी के पास खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्सी उसी के पास है, मतलब मालिकाना हक किसी के ऊपर नहीं है। एयरबीएनबी जैसे लॉजेस जो है या होटल्स है, ये लगभग 30 लाख उनकी लॉजेस है पूरे दुनिया में, 65,000 सिटी में ये काम करते हैं और 191 कंट्री में, 191 कंट्रीज में इनका काम है। क्या होता है एयरबीएनबी, समझ लीजिए आपको इंदौर निकलना है जबलपुर से, एयरबीएनबी के ऐप के ऊपर जाइए, वेबसाइट के ऊपर जाइए, जबलपुर की सारी होटल ढूंढिए, जहाँ ये सिंबल मिलेगा आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ मिलेगी। तो ये बुकिंग कराती है आपने, जैसे मेक माई ट्रिप है, उस तरीके से एयरबीएनबी दुनिया भर में आपके होटल बुकिंग कराती है अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो ये तरीके का बिजनेस पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले एयरबीएनबी किसी ने सुना भी नहीं था, आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं फोटो से कुछ मोबाइल से फोटो खींचूंगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। आज पेटम आ चुका है अपने साथ। ये सारी करियर के लिए क्या हम तैयार है, क्या अभी भी हम बीए बीकॉम बीएससी के ऊपर काम कर रहे हैं? इन सारी करियर के लिए काम करने के लिए अब जो बन रहा है, जैसे स्मार्ट सिटी, इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी, पुणे इज अ स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद इज अ स्मार्ट सिटी, नासिक इज अ स्मार्ट सिटी। क्या होता है स्मार्ट सिटी में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रहती है, बटन दबाने सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ जैसे एजुकेशन भी आपको उसी तरीके से मिलेगा, जो आज हम पूरे भारत में कोरोना पैंडेमिक के वजह से ये सब कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है, हम तैयार नहीं थे। ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे इस तरीके से, लिए हम तैयार नहीं थे। हमारी यहाँ मान्यता ऐसी है कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने अगर हो तो ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज होता है, और कुछ हद तक वो सही भी है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे 135 करोड़ की लोकसंख्या जिस देश में है, वहाँ क्या निर्णय लिया जाए, क्या होने वाला है, और हमें बहुत समय नहीं लगा, हमें भले ही महीने डेढ़ महीने में हमने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप कर लिया। आमतौर पे हम जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गूगल मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल तो बहुत पुरानी बात है, मतलब इन सारी चीज़ों से अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि आज से 15 साल पहले स्काइप नाम की सिस्टम थी, जो लोग स्काइप इस्तेमाल करते थे तो उनके तरह बहुत आश्चर्य तरीके से देखा जाता था, यार इनको ये आता है, अजब चीज़ है। अभी ये अजब चीज़ नहीं है, हर स्कूल में मिल जाएगा, जूम के वो सेशन लिंक आ जाती है, आपको ज्वाइन करना है। दो सबसे घातक वाक्य मुझे लगा और मैंने कहीं सुना है कि आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, स्कूल के बच्चे करते हैं, कॉलेज के बच्चे करते हैं, विश्वविद्यालय के बच्चे करते हैं, इसके अलावा कंपनी में भी करते हैं, काम करने वाले करते हैं, अपने दोस्त भी करते हैं, हर जगह उठने बैठने के बाद हम ये दो वाक्य इस्तेमाल करते हैं, सबसे घातक है, आपके लगने से दुनिया नहीं चलती, और दूसरी चीज़ आपके कहीं सुनने से भी निर्णय नहीं लिए जाते। मैंने कहीं सुना है, ऐसा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं शब्द, ये गलत है। कहीं सुनना और मैंने यहाँ सुनना, इसमें बहुत फर्क है। जो भी करियर आपको आगे बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ यहाँ सुना है, यह उसका रेफरेंस है, या फिर इस प्रोग्राम में सुना था, इन्होंने कहा था, ऐसे आपको बोलते आना चाहिए या डेटा रखते आना चाहिए या ऐसा लिखा हुआ चाहिए। कहीं सुना है इसका कोई भी रेफरेंस नहीं रहता है और फिर इसको मान्यता नहीं होती है। जैसे हम आठवीं के आगे बढ़ते हैं, आठवीं नौवीं दसवीं, यहाँ हमें क्या सुना है, कितना सुना है और कहाँ से सुना है, ये पक्का मालूम होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मुझे लगा कि शायद ये करियर मुझसे हो जाएगा, मुझे लगा कि शायद ये करियर बेहतरीन है, तो कृपा करके आपके लगने से कुछ नहीं होता है, ये दो शब्द मैं हमेशा मेरे सेमिनार में सारे लोगों को बताता हूँ। अब हम जिस इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं, किसी ज़माने में 1929 में एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी अपने पास, खेती के ऊपर काम होता था। अक्सर मैंने मेरे स्कूल में एक वाक्य लिखा था, भारत एक खेती प्रधान देश है, वो चला 75-80 तक वही चला,
उसके बाद आया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कि हमारे पास बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी जिसके ऊपर काम करना शुरू हो गया। ये चला 75 से 2008 तक। 2008 में आ गया सर्विस इकोनॉमी, माने बीपीओ आ गए, केपीओ आ गया, आईटी इंडस्ट्री आ गई, बड़ी बड़ी आईटी नेवल सर्विसेज बन गई, इन्फोसिस आ गया, विप्रो आ गया, ठीक है, एचसीएल आ गया, टीसीएस आ गया। तो कुछ नहीं, बच्चे आईटी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ओह लाखों में पगार मिल रहा है, कंप्यूटर पर कोडिंग करते हैं, ये सारी सिस्टम बनते बनते बनते, इसको मैंने ऊपर वर्ड लिखा है आरआईपी का, मतलब होता है रेस्ट इन पीस, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी खत्म हुई, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी खत्म हुई, सर्विस इकोनॉमी भी खत्म हो चुकी है। अब हम जिस चीज़ के कगार पे खड़े हैं उसको कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। तो क्या होता है नॉलेज इकोनॉमी में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको शेयर करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको उसका जतन करना है, प्रिजर्व करना है, लेकिन नॉलेज गेन करना शुरुआत करनी है। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि आप क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास माने क्वेश्चन पूछने की ताकत आपके अंदर चाहिए। हम बहुत बार स्कूल में गलती करते हैं, कॉलेज में भी गलती करते हैं, अगर पूछा जाए, अध्यापक पूछते हैं हमें समझ में आया तो हम कहते बिल्कुल, तो जो समझ में आया वो बताइए, ना समझ में भी बताइए, इससे आपकी क्यूरियसिटी बनेगी, इनक्विजिटिव कैपेसिटी बढ़ेगी। माने जितने ज़्यादा सवाल आप पूछने की कोशिश करोगे उतनी आपके दिमाग की व्यापकता बढ़ेगी और उतना ज़्यादा पढ़ाई करने का कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। जबलपुर से ही ओशो ताल्लुका तो रखते हैं, तो ओशो की बहुत सारी किताबें मेरे पास, उसमें से एक बेहतरीन ये डायलॉग है कि दूसरों की तरह बनने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम अपने आप में एक बेहद खास व्यक्तित्व हो, तुम इससे बेहतर कैसे हो सकते हो, बस तुम्हें यही जानना है, महसूस करते रहना है। अब इसके ऊपर ऐसा मेरा कहना क्यों है, हम अक्सर कंपेरिजन करते हैं कि मैं ऐसा बना, मेरा मासी का बेटा ऐसा है, मैं मुझे लगता है कि मेरे चाचा के लड़के जैसा मैं करूं, मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में एक लड़का था उसने आईआईटी किया, मुझे वो करना चाहिए। आप छोड़ के पूरी बाकी दुनिया जो है वो अलग है, आप जो है आप ही हो, तो कंपैरिजन कृपया करके ना करें, इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, वो जिस लड़के से आप कंपैरिजन करें उसका नाम अलग है, उसके फिंगरप्रिंट्स अलग है, ठीक है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसने ब्रांच अलग ली होगी, उसके पढ़ाई का तरीका अलग है, तो आप एकाएक का कैसे क्या कंपैरिजन कर सकते हो, और कंपैरिजन करने से कभी भी करियर होता नहीं है। देखिए, हिसाब, हुनर और हिम्मत, जो मैंने शुरुआत में टाइटल दिया था, क्या क्या आता है हिसाब के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, माने आपको अंक जोड़ते आने चाहिए, लॉजिकल एबिलिटी, आपका लॉजिक बहुत तगड़ा होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी, आपको तर्क लगाना चाहिए, वर्क्स ऑन नंबर्स, नंबर्स के ऊपर खेलते आना चाहिए, बहुत सारे गेम्स मिलते हैं जिसके ऊपर आप वर्क के साथ नंबर के साथ खेल सकते हो, आप वीडियो गेम खेलते हो, आपके ऊपर गेम खेलते हो, जरूर खेलिए, ठीक है, मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि गेम ही अगर खेलने हैं तो नंबर्स के खेलने चाहिए। सूडोकू नाम का गेम मिलता है, डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट प्लेइंग सूडोकू, देखना आपका हिसाब का कैलकुलेशन बराबर हो जाता है कि नहीं। फिर आया हुनर, हुनर माने आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है, आपको लैंग्वेज सीखती आनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग स्किल सबको डेवलप करते आनी चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें डांस आता है, ड्रामा आता है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है, फाइन आर्ट्स है, आपको ड्राइंग करते आती है, स्पेशल एबिलिटी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कलर कहाँ लगाना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना उसका नाप होना चाहिए, और इसके बावजूद सबसे बेहतरीन चीज़ आपके पास चाहिए वो है पेशेंस। तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, आपको किसी के साथ बैठना पड़ेगा, मेंटर का सुनना पड़ेगा, टीचर का सुनना पड़ेगा, अभी उम्र सुनने की है, तो ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा सुन सके उतना, बड़े कान रखिए, गणपति बप्पा जैसे बड़े कान चाहिए, भगवान ने दो कान दिए हमें, नेचर ने दो कान दिए, इसका मतलब है ज़्यादा सुनो, एक मुंह दिया है मतलब कम बोलो, ये अगर स्ट्रैटेजी अपना लेते हो 12वीं तक तो समझ लेना अपना फंडामेंटल जबरदस्त हो जाएगा। तीसरी चीज़ है हिम्मत, इसमें एडवेंचर, इसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन, तुरंत निर्णय लेते आना चाहिए,
रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, किसी इमोशन के अंदर के निर्णय मत लीजिए। मेरे माता पिता कह रहे तुम डॉक्टर बन जाओ, आप क्या कह रहे हो? मेरे मामा जी बोल रहे हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, आपकी क्या इच्छा है? किसी की इच्छा के लिए या किसी ने कहा है उसमें आने से अच्छा आपकी क्षमता, आप खुद कौन हो, आपको क्या लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई आप करने वाले हो, ना कि वो लोग जाके आपका पेपर देने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा में आपको बैठना है। एंटरप्रेन्योर स्किल सबके पास है क्या? मैनेजरल स्किल सबके पास है क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बोलने का स्किल, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, इसके लिए लगती हिम्मत, क्वेश्चन पूछने के लिए लगती हिम्मत। तो अगर हिसाब, हुनर और हिम्मत साथ में हो जाए तीनों, तो बेहतरीन करियर है। इसमें से दो हो जाए तो भी करियर है, एक हो जाए तो भी करियर है। अब ये नैसकॉम और फिक्की नाम की एक संस्था है, उन्होंने दिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 60 करोड़ लोग या बच्चे 2024 में जो करियर करने वाले हैं, आज से 3 साल बाद, वो 2022 मतलब अगले साल तक तो जो करियर भारत में रहने वाला है वो खत्म हो जाएगा। जिस पोस्ट पे आज हम काम कर रहे हैं ऐसी कोई भी पोस्ट 2024 में रहने वाली नहीं है। नए करियर आएंगे, नई पोस्ट आएंगी, नई डिग्री आएंगी, नया सिलेबस भी आएगा। तो क्या इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए, धैर्य रख के काम करने के लिए हम तैयार है क्या? दैट डज नॉट एग्जिस्ट टूडे, ऐसा मैंने लाइन दी है। मतलब 2024 में वो रहेगा नहीं जो आज है। तो 2024 के करियर के हिसाब से हमें तैयार होना ज़रूरी है। कौन सी इमर्जिंग करियर है हम लोगों के लिए? देखिए, आपके लिए है आर्ट्स और डेवलपमेंट स्टडी में, IIT मद्रास से हम ये सारी कोर्सेज कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी साइंस के सारी कोर्सेज, जिसके अंदर साइकोलॉजी होता है, सोशल साइंस होता है, जिसके अंदर सोशल वर्क होता है, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस होता है, ये सारी करियर आप आईसर नाम की संस्था से भी कर सकते हो, जितने भी विश्वविद्यालय भारत में वहाँ के कैंपस से कर सकते हो, या फिर नामचीन इंस्टीट्यूट से वहाँ से कर सकते हो। सारी की सारी एडमिशन के लिए पक्का आपको एंट्रेंस देना ज़रूरी रहेगा। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में आप एक्चुअली साइंस का करियर कर सकते हो, ये शायद आपने नाम सुने नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा इमर्जिंग करियर। ठीक है, सेशन होने के बाद श्रीवास्तव जी सर के पास मैं ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ताकि वो आपसे शेयर करें। ढूंढने की कोशिश कीजिए आपके कौन से करियर है जो शायद आपने सुने नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं और हमने सुने नहीं, इसलिए हम पीछे हैं। आज जांच पड़ताल कर लीजिए, समय आपके पास है, समय आपके साथ है। आप बहुत कुछ आज R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। जिस दिन आप मार्केट के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन अगर आप कहते हो मुझे आज तैयारी करनी है, तो मुश्किल आन पड़ेगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का करियर अपने लिए है, फूड फ्लेवरिस्ट का करियर हमारे लिए है, जिन लोगों का डिज़ाइन अच्छा है, जिन लोगों का ड्राइंग अच्छा है, जिन लोगों को कलरिंग की समझ है, जिन लोगों की रंगोली अच्छी रहती है, जो लोग मेहंदी अच्छी निकाल सकते हैं, माने जिनके पास ड्राइंग की स्किल्स है लेकिन मैथ थोड़ा कच्चा है, इन लोगों को डरने की बात नहीं है। इनके लिए BDS नाम का करियर है, बैचलर इन डिज़ाइन साइंस, बेहतरीन करियर है। भारत के पास टॉप IIT में करियर उपलब्ध है, उसकी अलग एग्जाम होती है, उसको JEE देनी नहीं पड़ती। इसके अलावा हर स्टेट में आपको BDS की डिग्री मिल जाएंगी, इनकी अलग अलग एग्जाम होती है। करियर इन लैंग्वेजेस है, अपनी एक मातृभाषा अगर छोड़ दी तो उसके अलावा भारत में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी संधि हम लोगों की है कि आजू बाजू के राज्य की भाषा हम सीख ले। हिंदी तो राष्ट्रभाषा हो गई, मेरी मराठी मातृभाषा हो गई, बिजनेस लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज जहाँ मुझे बाहर इस्तेमाल करना इंटरनेशनल लेवल पे सबसे आसान, उसके अंदर इंग्लिश आ गई। हो सके तो आप जर्मन सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, जापानीज सीख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें सीखने की है और हम कभी भी सीख सकते हैं और कोई भी सीख सकता है। इसके ऊपर किसी की भी लॉक लगाया नहीं है कि यहाँ हम ही सीख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन। और अभी तो इतनी बेहतरीन वेबसाइट तैयार हुई है कि जहाँ आप बैठ के फ्री में सब कुछ सीख सकते हो। वो फ्री वाली वेबसाइट भी कभी आ गया, अगर समय मिले, कोई एक सेशन अगर मिलता है तो उसके अंदर वो सारी फ्री वेबसाइट में आपको प्रोवाइड करूँगा,
कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको बैठे बैठे घर पे सब कुछ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा सिर्फ इंटरनेट, दूसरी चीज है आपका खुद का समय, और तीसरी चीज है आपका इंटरेस्ट। जेम्स ज्वेलरी में आपको करियर मिलते हैं, दाग दागिने जहां बनाते हैं, जवाहर रहते हैं, आप टीवी के ऊपर देखो कितनी बड़ी बड़ी ऐड रहती है, इन लोगों को जो दागिने रहते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ऑर्नामेंट जो रहते हैं वो कहाँ से बनते, कौन बनाता है, इसके लिए कोई तो डिजाइन देता होगा। बाद में म्यूजियम, जैसे आपके यहाँ ग्वालियर में म्यूजियम है, जबलपुर में शायद मुझे मालूम नहीं है, औरंगाबाद में म्यूजियम है, हमारे यहाँ मुंबई में पुणे में म्यूजियम है, आगरा में म्यूजियम है, दिल्ली में म्यूजियम है। तो ये जो म्यूजियम रहते यहाँ जो स्टाफ काम करता है, सवाल आती नहीं कि आप लोगों को आनी चाहिए इसे कि यहाँ कौन काम करता है, कौन सी डिग्री होती है यहाँ काम करने के लिए, मुझे भी ऐसा जॉब करते आना चाहिए। आपके लिए फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी करियर उपलब्ध है। आज के तारीख में सीरम इंस्टीट्यूट में अपनी यहाँ वैक्सीनेशन बनी तो पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे थे ये थे वायरोलॉजी, वैक्सीन, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, इस ब्रांच के सारे लोग वैक्सीन के ऊपर आज काम कर रहे हैं। टेक्निकल राइटर, हाँ मेरी लिखावट अच्छी है, हिंदी में लिख सकता हूँ, मराठी आती है, या जो भी भाषा है, अंग्रेजी अच्छी आती है, मैं ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ एक भाषा दूसरे भाषा में, मैं वेबसाइट के कंटेंट लिख सकता हूँ, मैं जिंगल लिख सकता हूँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग कर सकता हूँ, मैं रेडियो के ऊपर लिख सकता हूँ। हमारे आरजे रहते सुबह सुबह जो बात करते हैं वो किसी ने लिखा रहता है, क्योंकि उनकी आवाज़ बेहतरीन है लेकिन लिखावट नहीं रहती। तो इसको ऐसे कहते हैं कि हम उसे बोल रहे हैं, लिखने वाला अलग है। जैसे पिक्चर में रहता है लिप रीडिंग रहती है, तो वो हीरो हीरोइन सिर्फ लिप्स अपनी हिलाते हैं लेकिन गाना पीछे से रहता है। तो इसी तरीके से टेक्निकल राइटिंग में अगर लिखावट तगड़ी है आपकी तो बुरा मत मानिए, गलत मत समझिए, भाषा में भी तगड़ा करियर है। आप BA हिंदी, MA हिंदी कर सकते हो, आप BA इंग्लिश, MA इंग्लिश कर सकते हो, आपको जो भी भाषा सीखनी है उसके अंदर भी बेहतरीन करियर उपलब्ध है। कोई भी करियर छोटा नहीं रहता, कोई भी करियर बड़ा नहीं रहता। हाँ, करियर के अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल न्यूट्रिशन का भाव बहुत बढ़ गया है, भाव बढ़ गया मतलब उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जो बताते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हेल्थ कैसी बनानी चाहिए। ठीक है, आजकल जिम के अंदर जाना, वो सब कुछ डोले छोले बनाना, बॉडी बनाना एक बड़ा पैशन भी हो गया है, फैशन भी हो गया है। इसके लिए कुछ बंदे लिख के देते, सर ये अवॉइड कीजिए, ये मत कीजिए, ये परहेज है आपको, ये लिखने वाला सब कुछ देने वाला एक 3 साल का डिग्री कोर्स है, अगर आप ये कर देते हो तो खुद एक कंसल्टेंट बन सकते हो या किसी ऐसी बड़ी जिम के लिए आप काम कर सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल चुकी है, और लाइफस्टाइल बदलने की वजह से आज से 20 साल पहले करियर था नहीं, ये करियर आज बन गया है। आखिरी में मैंने दिया BEd इन स्पेशल एजुकेशन। अभी तक BEd जो था वो टीचिंग के लिए अभी भी है, पुराने ज़माने में भी था बैचलर इन एजुकेशन, लेकिन अभी स्पेशल एजुकेशन आया है। PI स्टैंड्स फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड, HI स्टैंड्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, एंड VI स्टैंड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जो दिव्यांग बच्चे हैं जिसके अंदर जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता और जिनके हाथ पैर अधू है, इन लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन होता है, इनके लिए स्पेशल स्कूल्स रहती है। इसके अंदर जिन लोगों को काम करना है उनके लिए BEd इन स्पेशल एजुकेशन नाम की डिग्री उपलब्ध है। तो आपको आपका बेसिक डिग्री होने के बाद इसके लिए आप जा सकते हो। ये सारी कोर्सेस आपको RCI मान्यता प्राप्त है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त ये डिग्री होती है, और ये सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में आपको इसके जॉब मिल सकते हैं। अब हम करियर कैसे चूज करते हैं, ठीक है, मैंने एक चार्ट दिया है परसेंटेज लिखा है नीचे, स्टूडेंट चॉइस ABCD, ए 27% मोटे मोटे तौर पे माता पिता ने कहा ये करियर कर लो तो हमने कर लिया। बी में 23% है कि सारे दोस्त कह रहे थे कि हम आर्ट्स लेंगे, ले लिया, हमें लग रहा है कि कला शाखा में करियर है, मस्त है, चलो कर लेते हैं, समय बहुत मिलता है, एक्स्ट्रा कोर्सेस कर सकते हैं। किसी ने कहा कि कॉमर्स अच्छा है, किसी दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं साइंस सबसे बेहतरीन। तो एक दुर्भाग्य से हमारी यह एक सिस्टम बनी है ऐसे कि सबसे बेहतरीन करियर साइंस रहता है, ऊपरी परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं,
फिर कॉमर्स नीचे रहता है और उसके नीचे आर्ट्स रहता है, बिल्कुल गलत। वही आप मेट्रो सिटी में जाते हो, जैसे पुणे आते हो, मुंबई आते हो, दिल्ली जाते हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। आर्ट्स में सबसे ऊपर, कॉमर्स नीचे, साइंस उसके नीचे। तो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है कि ये उल्टा है, ये ऊपर या नीचे है। ये सब कुछ तय होता है आपकी क्षमता कितनी है, आपका पैशन क्या है, आप किस में करियर करना चाहते हैं। सी में मैंने लिखा है स्कोप। बच्चे बोलते हैं, कोचिंग में बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं कि किस चीज़ को स्कोप है, वो करियर करना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए, स्कोप किसी को भी नहीं रहता है, स्कोप आप बनाते हो। अगर आप जी जान के होके उसके ऊपर काम करते हो, दिमाग लगाते हो, ठीक है, पैशन से काम करते हो, घंटों बैठ के काम करते हो, फोकस काम करते हो, जाहिर है उस इंडस्ट्री को स्कोप आ जाएगा। जहाँ स्कोप नहीं है वहाँ स्कोप सिर्फ विद्यार्थी बना सकता है। आखिरी में 17% आता है, नो ऑप्शन, बचा ही कुछ नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है। अक्सर मुझे करियर काउंसलिंग में बच्चे आते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि क्यों किया आपने साइंस, तो कहते कि ऐसा कुछ तय नहीं था, फिर हमारे गाँव में सब साइंस लेते, मैंने ले लिया। वो 17% में आते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जैसे साइंस कठिन जा रहा था, कॉमर्स में आंकड़े रहते हैं, ओ अंक जमता नहीं मुझे सर, टेबल्स मेरे रटे हुए नहीं है, तो सर इसीलिए मैंने आर्ट्स ले लिया। इलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, जो बचा वो ले लिया। ऐसा मत कीजिए। जहां आप करियर बनाने के लिए तय कर रहे हो तो समझ लेना आपका करियर भी कट हो जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो एक बेहतरीन कहावत है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर। समझिए, आज जो आप हो इसका सबसे बड़ा कारण या वजह आप खुद हो। तो आप कौन से निर्णय लेते हो, कौन से चॉइस लेते हो, ठीक है, चॉइस बदलते आनी चाहिए, निर्णय बदलते आना चाहिए। एक ही एक चीज़ के ऊपर रट लगा के बैठेंगे तो करियर उस तरीके से होते नहीं हैं। अब करियर होने के लिए क्या क्या क्षमताएं चाहिए, मैंने दिया आपके लिए, समझने की कोशिश कीजिए। 9th स्टैंडर्ड लिखा है मैंने ऊपर। अब कोई अगर लड़का 12वीं में ये सुन रहा होगा तो फिर हमें जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, समय कम है अपने पास। 9th में अगर हम करियर करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बेहतरीन आइडियल पीरियड है भारत में आज के तारीख में करियर करने के लिए। आपके फर्स्ट 30 तक के टेबल्स रटे हुए चाहिए, स्क्वेयर्स जिसको हम वर्ग कहते हैं वो 30 तक चाहिए, क्यूब जिसको हम कहते हैं घना वो 15 तक चाहिए। ये हो गया मैथ्स का बेस पक्का, जिसका बेस पक्का कैलकुलेटर है या फिर मैं जोड़ लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, ये हो गया बहाने, ये नहीं चाहिए, ये पक्का होना चाहिए। ये मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। फिर आएगा इंग्लिश, इसमें आपको ग्रामर एकदम पक्का चाहिए, वोकैबुलरी मतलब शब्द संग्रह जिसको हम कहते हैं वो आपकी बेहतरीन चाहिए, और आपका रीडिंग स्पीड भी तगड़ा चाहिए इंग्लिश भाषा का। फिर रीजनिंग जिसको हम कहते हैं तर्क, उसमें आपको हाई स्पीड कैलकुलेशन करते आने चाहिए, हॉट्स कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और आखिरी में आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कोई पैराग्राफ दिया रहते हैं आपको जवाब देने रहते हैं, सोच के कि इसका ये इसके साथ संबंध है, फिर कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये इसका छोटा भाई है, इसका बड़ा भाई है, तो सबसे छोटा कौन, ये क्रिटिकल थिंकिंग रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। इसकी आदत अभी से शुरुआत करनी है, 9 से 9 का सिलेबस भी सीखना है और ये धीरे धीरे करना है। जनरल नॉलेज के लिए आपको पेपर पढ़ते आना चाहिए और किताबों की आदत आज से लगा लो। सबसे अच्छी आदत किताब, मतलब हैबिट जिसको हम कहते हैं, हैबिट शब्द जो है HABIT, इसको अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो HABIT, तो हैबिट मतलब छुट्टी छुट्टी नहीं है, ऐसे इसको कहते हैं हैबिट। हैबिट का एच निकाल दो फिर रहेगा अ बिट, फिर भी थोड़ा रहेगा, ए निकाल दो फिर रहेगा बिट और टुकड़ा रह जाएगा, फिर बी निकाल दो फिर रहेगा इट, वैसे के वैसे ही है। तो फिर क्यों ना आदत अच्छी लगाई जाए, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, अब जीवनी पढ़ो, ठीक है, जिसको हम आत्मचरित्र कहते हैं, भले ही भारतीय पढ़ो, बाहर की पढ़ो, इंडस्ट्रियलिस्ट की पढ़ो, बिजनेसमैन की पढ़ो, स्वतंत्रता सेनानी की पढ़ो, आपको जिसको लगता है उसकी पढ़ने की, जिस भाषा की लगती है उस भाषा की पढ़ना शुरू कर दो। यह सबसे बेहतरीन कैपेसिटी हम डेवलप कर सकते हैं अपना आगे का करियर बनाने के लिए।
फिर आती है कंपटीशन, स्कूल में कंपटीशन होती है, कॉलेजेस में होती है, नगर निगम में होती है, जिले के तौर पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है, और हम अक्सर उसको टालने की कोशिश करते हैं। डिबेटिंग कंपटीशन है, नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे। ओरेटर है, जिसके अंदर आपको आपके शब्द रखने रहते हैं, भाषण करना रहता है, स्पीचेस रहते हैं अलग अलग दिन के, या त्यौहार रहते हैं, और हम वहाँ से कैसे बाहर निकले ये सोचने की कोशिश करते हैं। मत कीजिए, खड़े रहिए, बात कीजिए, डिबेटिंग में जाइए, ओरेटरशिप बढ़ाइए, स्पीचेस दीजिए। एक स्पीच देने के लिए आपको कम से कम 3 किताबें पढ़ना ज़रूरी रहती है, 4 लोगों से बात करना ज़रूरी रहती है। देखिए क्या कर दिया आपने, बुक रीड हो गया, 4 लोगों से बात हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया, डेटा कलेक्ट हो गया, और फिर अपनी स्पीच रख दिया। माना कि स्पीच अच्छा नहीं था, माना कि अवार्ड नहीं मिला, लेकिन प्रयत्न शुरू हो गए। और जिस दिन प्रयत्न शुरू हो जाते हैं, उस दिन समझ लेना कि करियर की गाड़ी मस्त चल रही है। हॉबीज भी कौन सी होनी चाहिए आपके पास, स्पोर्ट्स, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स लीजिए, हॉबीज के तौर पे कीजिए। म्यूजिक लीजिए, डांस लीजिए, आपको लगता है कि मुझे नेटवर्किंग बनाना पसंद है, ठीक है, मतलब हर रोज 4 नए लोगों से बात करना, ये भी हॉबी हो सकती है। फिर उनके जन्मदिन के ऊपर बधाई देना, या फिर कभी ना कभी उनसे मिलने जाना, उनसे हो सके तो 2 शब्द नए सीखना, ये इस तरीके से हॉबीज चाहिए। मतलब सारी हॉबीज से फिर हम करियर के और आने चाहिए, ना कि आप वीडियो गेम खेलो, ना कि आप मतलब खेल खेलते ही रहोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करते करते आपको हॉबीज करना ज़रूरी है। अब मैंने मैथ में शुरुआत में लिया टेबल्स क्यों रटने हैं, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने आते हो, कोई भी लेके जैसे बैंक की एग्ज़ाम देनी है, ठीक है, आपको UPSC देनी है, मध्य प्रदेश की आपको, जैसे हमारे यहाँ MPSC, वैसे आपकी खुद की एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी है, तो उसकी शुरुआत जो होती है इसी से होती है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद ये करोगे या आज से करोगे, आपके हाथ में है। अगर 9th से करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या सक्सेस रेशो बढ़ जाता है आपके करियर का। आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो भी करियर बनता है, मैं नानी कह रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा आपको फिर वो बोझा लेके जाना रहता है, यू हैव टू कैरी, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 9th में हमें बनाना इतना पक्का है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अभी टेबल्स आपको 1 महीना लगेगा रटने के लिए, वर्ग के लिए 1 महीना ले लो, घना के लिए 15 दिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुल मिला के आपका मैथ का बेस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने में। फिर आपको रोज़ ये करना है, हर हफ्ते आपको करना है, तब जाके प्रैक्टिस बनेगी। समझ लीजिए, मैंने 15 लाख की मर्सिडीज खरीद ली, ड्राइविंग भी सीख लिया, और फिर वो घर में लगा दी गाड़ी, 15 लाख की आराम से निकालेंगे, और 5 से 6 महीने गाड़ी चलाई नहीं, तो तुरंत अगर मैं 6 महीने बाद गाड़ी निकालता हूँ चलाने के लिए, तो आशंकाएं बहुत ज़्यादा है कि मेरे एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कहीं तो भी गाड़ी सटीक से लग जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई। जहाँ मैं छोटा सा गाड़ी का उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ तो पूरा करियर है। तो करियर के लिए आपको ये लगातार बार बार करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब कौन सी एबिलिटीज और कौन से ओरिएंटेशन आपके पास चाहिए भारत में करियर करने के लिए? आपके पास रीजनिंग एबिलिटी चाहिए, स्पेशियल मतलब इसको कहते हैं भौमितिक क्षमता, ठीक है। इसके लिए हम नाप सकते हैं, ऐसा कि जिस रूम में हम बैठे उसका नाप कितना है, कितना बाय कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्पेशल एबिलिटी में आती है। कहाँ जाते हैं ये बच्चे? ये जाते हैं ड्राइंग के अंदर करियर करने के लिए, ये जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ये जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये जाते हैं आर्किटेक्चर में, जहाँ नाप तोल रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये कितना बाय कितना है, तो मेरा स्पेशल एबिलिटी कम है। कॉग्निटिव एबिलिटी, इसके अंदर सोच रहती है, फिलोसोफर रहते हैं, साइकोलॉजी वाले रहते हैं, ठीक है, ये सोचने वाले रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। न्यूमेरिकल्स माने अंकगणित, वर्बल मतलब लिखना, भाषा, साइकोमोटर मतलब एक साथ 2 या 3 काम करते हैं, जबरदस्त स्पीड रहता है। मैकेनिकल एबिलिटी,
जाहिर है शब्द से पता चलता है कि मैकेनिकल वाला करियर हो जा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मशीन के ऊपर काम करना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, क्लोजर एबिलिटी ये भी ड्राइंग में आता है, क्लरिकल एबिलिटी, सारे के सारे डेस्क जॉब, बैठे जॉब, ऑफिस के जॉब जहां हम सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन वो डेस्क वाले ऑफिस के जॉब, उसको कहते क्लरिकल एबिलिटी। आर्टिस्टिक मतलब आपके अंदर वो सोच है कि आप अलग तरीके से सोच सकते हो, अलग तरह से लिख सकते हो, लिख सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ये सारे लोग काम में आते हैं, हम टीवी के ऊपर अक्सर ऐड देखते हैं, वो बनाने वाले भी हम ही लोग रहते हैं, हम में से कुछ बच्चे आगे आते हैं जिनके पास ये सारी क्षमताएं होती हैं। फिर सोशल, क्या मैं सोशल सर्विस वाला हूँ, क्या मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, समस्या का हल निकाल सकता हूँ, क्या मुझे लगता है कि उनके बारे में कुछ करना चाहिए, क्या मुझे एनजीओ में काम करना चाहिए, खुद का एनजीओ शुरू करना चाहिए, क्या मुझे लगता है कि समाज सेवा ही प्राधान्य देना चाहिए, ये सारे बच्चे सोशल करियर में जाते हैं। तो ये हो गया सोशल ओरिएंटेशन माने झुकाव, आर्टिस्टिक ओरिएंटेशन मतलब आपका झुकाव जो है वो ड्राइंग या कला के क्षेत्र में जाना है। एंटरप्राइजिंग ओरिएंटेशन मतलब ये बिजनेस वाला आ गया, मैनेजमेंट वाला आ गया, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को संभालना, काम करवा लेना, बिजनेस करना, खरीदी है, बिक्री है, शेयर मार्केट है, ये आ गया एंटरप्राइजिंग ओरिएंटेशन। फिर आता है इन्वेस्टिगेटिव ओरिएंटेशन, इसके अंदर होता है रिसर्च, साइंटिस्ट बनते हैं, सोशल साइंस के रिसर्च रहते हैं, फार्मा के रिसर्च रहते हैं, डॉक्टर वाले रिसर्च रहते हैं, ये सारे लोग उसके अंदर, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव ओरिएंटेशन। लगातार दिमाग लगाते रहते हैं, क्वेश्चन निकालते रहते हैं, भले ही जवाब ना मिले लेकिन क्वेश्चन निकालते रहते हैं, सवाल के ऊपर सवाल रहते हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, मैं तुरंत अभी हल क्या निकल सकता है, कैसे पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं, जुगाड़ जो हिंदी शब्द है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लिए सबसे ज़बरदस्त है। फिर आता है नॉलेज ओरिएंटेशन, तो मैंने कहा तो नॉलेज इकोनॉमी, या हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान बटोरना, ज्ञान देना, टीचर रहते हैं, ट्रेनर रहते हैं, कोच रहते हैं, मेंटोर रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो लोग ज्ञान देते हैं। इसमें फिर हमारे यहाँ प्रीचर रहते हैं, प्रिस्ट रहते हैं, पुजारी रहते हैं, प्रवचन करने वाले रहते हैं, ये सारे लोग नॉलेज ओरिएंटेशन पे काम करते हैं। तो जहाँ देना है, टीचिंग है, ज्ञान लेना है और ज्ञान देना, ये आता है नॉलेज ओरिएंटेशन में। फिर आता है लीडरशिप ओरिएंटेशन, लीडरशिप ओरिएंटेशन मतलब नेता नहीं, जो हम समझ रहे हैं राजकारण वाला वो नहीं, लीडरशिप ओरिएंटेशन में सोशल लीडर भी रहते हैं, जैसे अन्ना हजारे है अपने यहाँ, मेधा पाटकर जी है अपने यहाँ, नारायण मूर्ति जी है, ये टेक्नोलॉजी वाली लीडरशिप है, हर सेक्टर के आपको लीडर मिल जाएंगे। हाल ही में MDH मसाले के जो सर्वे सर्वा मालिक थे महाशय, MDH के जो देगी मिर्च वाले, वो भी लीडर ही थे, मतलब जिस दौरान इन्होंने सब कुछ शुरू किया, कैसे किया, आज किस मकाम पे बिजनेस लेके गए, तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व हो उसको कहते लीडर। तो उस वो ओरिएंटेशन अगर अपने पास, उसको कहते लीडरशिप। और आखिरी में IQ और EQ, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस कोशंट, EQ का मतलब है इमोशनल कोशंट। तो हम आपके सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए तैयार है, मेरा नंबर मैंने दिया है 7385102498 और 7057202498। आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया, श्रीवास्तव सर को भी धन्यवाद, इन्होंने भी समय दिया, उचित समझा कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, उन्होंने मौका दिया अपने शब्द रखने के लिए, शेयर करने के लिए, और बड़ा दिल लगता है सब कुछ करने के लिए, बड़ा हौसला भी लगता है और बड़ी हिम्मत लगती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि खुद श्रीवास्तव सर के पास ही हिसाब, हुनर और हिम्मत ज़बरदस्त तौर पे है, और वो चाहते हैं कि उनका जो एरिया है उस एरिया में हर बच्चे के पास कुछ नई चीज़ पहुंचनी चाहिए। इसलिए देखिए कि हज़ारों किलोमीटर दूर हम यहाँ बैठे और उन्होंने कनेक्शन बनवा दिया और कहा कि सर हमारे बच्चों के लिए क्या हो सकता है वो देने की कोशिश कीजिए। मेरा हर सेमिनार में दो लाइन से ख़त्म करता हूँ, आपके लिए भी रखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब मेरे 12वीं में था
तब मेरे टीचर ने मुझे ये दो लाइन बताई थी, बेहतरीन है। हम लोगों को आदत रहती है कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका क्या, उसका क्या हो रहा है, हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं और अपना फोकस हट जाता है। तो उसकी उन्होंने दिया था कि डू योर ड्यूटी, मतलब अपना अपना काम करते रहो, डोंट सी एनी बडीज ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब है सुंदरता नहीं, ब्यूटी का मतलब है ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। डू योर ड्यूटी, डोंट सी एनी बडीज ब्यूटी, ब्यूटी डिस्ट्रॉय ड्यूटी, ऐसा करने से आपका काम खराब होता है। ब्यूटी डिस्ट्रॉय ड्यूटी एंड ड्यूटी क्रिएट्स ब्यूटी। अगर आप अपना काम करते हो तो आप खुद ही कुछ सुंदर बना सकते हो। धन्यवाद। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बारी है कृतज्ञता ज्ञापित करने की। हम आज के हमारे विशेषज्ञ माननीय पंकज व्यवहारे सर का हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छात्र हित की इतनी व्यापक जानकारी इतने रोचक रूप में प्रस्तुत की। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।